नमस्कार आप सभी लोग का मेरे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है उत्तम 99 बिल्डर, और मैं चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए द इंडियाना स्टेट, जो कि ऑन रोड प्रोजेक्ट है सेंटोसा ग्रीन के बगल में। और अगर आप गोविंदपुर से धनबाद की तरफ आते हैं तो गोविंदपुर मोड़ से पहले, और अभी हम लोग जहाँ पे स्थित है खड़े हैं, ये रहा बालाजी पेट्रोल पंप और इसके पहले बिग बाजार। तो लोकेशन मैंने सारा कुछ बता दिया, और यहाँ से हम लोग चलते हुए आपको दिखाएंगे कितना समय लगता है इंडियाना स्टेट जाने में। तो चलते चलते बात करते हैं हम लोग। और इंडियाना स्टेट में आज भूमि पूजन भी है, और जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं आज दसवीं है। तो दसवीं एक ऐसा दिन है जो कुछ भी किसी से भी, कोई भी पंडित से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मुहूर्त कैसा है, वो शुभ दिन होता है कोई भी कार्य के लिए। तो जो सर है जो वहां पर लिए हुए हैं इंडियाना स्टेट में घर, तो उनका भूमि पूजन है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो में लगातार बने रहिए और इसकी बिल्कुल भी ना करें, रास्ते के साथ बात करते हुए इंडियाना स्टेट और दूरी, भूमि पूजन, सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इंडियाना स्टेट में क्या मिल रहा है मैं ये भी बता दूं आपको। तो इंडियाना स्टेट में आपको मिल रहा है जमीन के साथ मकान, और कुछ यूनिट अवेलेबल है केवल इंडिपेंडेंट प्लॉट का। इंडिपेंडेंट प्लॉट कहने का मतलब है आप जमीन ले लें और घर खुद से बना सकते हैं। ये कुछ यूनिट बचे हुए हैं, और ऐसे डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स तीन बेडरूम का अवेलेबल है, बहुत सारा है, और एमेनिटीज के साथ में है, जैसे पार्क, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल, ड्राइवर रेस्ट रूम, योगा मेडिटेशन सेंटर, पूरा कैंपस बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी कैमरा, मेन गेट, गार्ड फैसिलिटी, भूफोड़ मंदिर। बात करते करते भूफोड़ मंदिर तक आ चुके हैं, और बस कुछ ही दूरी में स्थित आपका न्यू प्रोजेक्ट जो कि जमीन के साथ मकान है, 70% लोन की सुविधा। प्लीज जो लोग भी वीडियो देखते हैं ना वो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि बहुत सारा वीडियो देखते हैं, मेरा भी देखते हैं, सही से समझ में उनको आता है नहीं है, और फिर सवाल करते हैं तो बोलते हैं इस रेट में था, उस रेट में था। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए तो ही आपको समझ में आएगा कहां पर क्या मैं दे रहा हूं और किस रेट का है और क्या कुछ है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है 7360891199 पे कॉल करें। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी कंपनी कार प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल मुफ्त है, कोई चार्जेस अप्लाई नहीं है। तो पूरी फैमिली के साथ आइए, साइड विजिट कीजिए, और लोन की सुविधा के साथ अपना आशियाना, जो सपनों का घर होता है, अपने नाम कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडिया से दिखाते हैं आपको। तो हम लोग आ चुके हैं इंडियाना स्टेट, द इंडियाना, दिल से भारतीय, इसलिए ये मैं कह रहा हूं, और नाम भी हमारा है इसमें लिखा हुआ दिल से भारतीय। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें जो रोड का नाम है, जो ब्रांचेस है, वो सारे इंडिया के ही नाम से बना हुआ, जैसे अटल मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, इस टाइप से। और अंदर में आपको दिखेगा, लगेगा कि हाँ जो नाम है उसके अकॉर्डिंग जो थीम है वो है, जैसे कि महात्मा गांधी का स्टेचू यहाँ पे, बहुत बड़ा सा एक महात्मा गांधी का स्टेचू है, रविंद्र प्रांगण, ओपन स्पेस है, और भी तमाम सुविधाएं आपको यहाँ पर दिखेगा। तो हम लोग इंडियाना स्टेट पहुंच गए हैं, और देख सकते हैं जो सड़क है आपको 35 फीट का मिल रहा है, बीच में डिवाइडर है, मतलब इन और आउट। इसके अलावा ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, ये इतना ओपन स्पेस, यहाँ पर भी हम लोग ले आए हैं बंगलो, जो कि नाम है कोठी, चार बेडरूम, 1650 स्क्वायर फीट जमीन, लगभग 2200 से 2300 का बिल्ट अप एरिया, चार बेडरूम। इसके अलावा फिर आगे में जो आपको मिलेगा 1250 स्क्वायर फीट जमीन, 1640 का बिल्ट अप एरिया, तीन बेडरूम डुप्लेक्स, और फिर ट्यूलिप 1575 स्क्वायर फीट जमीन, 1260 का बिल्ट अप एरिया, सिंप्लेक्स तीन बेडरूम ट्यूलिप। एक और घर है रोज, 1200 स्क्वायर फीट जमीन, 1045 का बिल्ट अप एरिया के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सर और मैम का है आज भूमि पूजन, और इनके साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमने बनाया ताकि आगे चल के ये देखेंगे, अच्छा लगेगा। इन्होंने यहाँ पर लिया 3 BHK का ट्यूलिप, जो कि 1575 स्क्वायर फीट जमीन, 1260 का बिल्ट अप एरिया, तीन बेडरूम। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा लिंक सेंड कर दिया है वहाँ पे, जो कि इंडियाना स्टेट के बारे में और भी तमाम डिटेल्स दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, और स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है 7360891199 पे कॉल कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को आगे हम लोग ले चलते हैं, सारा कार्यक्रम दिखाते हैं आपको भूमि पूजन का। सोसाइटी
जल छोड़ेंगे। किसी को भोजन देने के बाद जल दिया जाता है। जलम आचमन्यम समर्प्यामि तदंग गतवेन दक्षिणान समर्प्यामि तदंग गतवेन दक्षिणान ते उपरांत दक्षिणान समर्प्यामि तदंग गतवेन दुर्वा कुरान समर्प्यामि दुर्गा छोड़ेंगे। एक दुर्वा का हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदिताय नागाननाय सुतजाय गविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् उसके पश्चात देखिए उसके पश्चात नवग्रह भगवान का ध्यान करेंगे। हाथ में छत लेंगे पुष्प लेंगे। देखिए नवग्रह भगवान का बेदी बना है उधर। हरे कृष्ण वर्तमान मृतमातम च हिरण्य जेन सविता रथेन देवजाति उग्रानि पश्यन् सूर्यग्रहेण नमो नमः ध्यान पुष्पाणि समर्प्यामि। छोड़वागो उधर छोड़िए लाल में जल देंगे। मुखे आचमंगम सर्वांगस्थान सुजलं समर्प्यामि तदंगतमेन पंचामृतम समर्प्यामि। पंचामृत थोड़ा छोड़िए। पंचामृतम समर्प्यामि ओम भर्वस्य पंचामृतम समर्प्यामि। नागपति किशोरी मंदिर तम तमुलानि समर्प्यामि तदंगतवेनः। मिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे करसा तिकरा भवन्तु प्रार्थना प्रमुनास्तान् समर्प्यामि। सूर्यादि नवग्रहमण्डल देवताभ्यां नमः। पुनः हाथमश पुष्प लेंगे। शूलांगो सुंडिम शिरा संघम संगतिम कृष्णाम सर्वांग भूषावृतम नीलाश्याम पाद दशकम सेवे महाकालिकाम जामातसत्तितो हर कमल जो हंतो मधुम केतवम ओम। गुर्जर स्रोत मात्र का माता भ्यो नमः ध्यान पुष्पाणि समर्प्यामि छोड़ देंगे। वहाँ हाथ